हेलो एवरीवन, आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल नूतन्स वर्ल्ड में। और आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ जो सूजी से बनती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि यह बहुत ही जल्दी बन जाती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत होती है। तो आप इसे शाम के नाश्ते में चाय के साथ ले सकते हैं, बच्चे भी इसे बहुत चाव के साथ खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी को मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया है ताकि वो अच्छे से वो आटा का ये में आ जाए। तो आटा के जैसा हो गया है, ये बहुत ज़्यादा आटा नहीं हुआ है लेकिन भुरभुरा है। तो उससे क्या हुआ कि ये बहुत ही जल्दी ये इसका डो रेडी हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी का आटा लिया है। और सूजी अगर पतली वाली है तो इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी लिया है, घी मोयम के लिए मैंने यहाँ लिया है। और स्वाद अनुसार मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स लूँगी, तो ये ऑप्शनल है, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे लेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा इससे। तो मैंने यहाँ पे करीब 2-3 चुटकी यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स लिया है। और ये सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सभी को जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसका डो रेडी करना है हमें। तो इसके लिए यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इससे एक डो रेडी हो जाए। ये बहुत ही आसानी से इसकी डो बन जाती है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि सूजी से आटा नहीं लगाया जा सकता है, आराम से ये इसका डो आराम से रेडी होती है। थोड़ा सा आपको यही इसमें ध्यान रखना है कि इसे आपको डो बनाने के बाद थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि जो भी फूलने का रहेगा आटा वो फूल जाएगी। देखिए, मैंने इसका डो रेडी कर लिया है। अब इसे करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। अब करीब 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे फिर से मिला रही हूँ। ये देखिए, ये फूल चुकी है और थोड़ा सा और ज़्यादा करी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ जितना से ये सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए, इसे फिर से इसे आपको गूंथना स्टार्ट करना है इस तरह से, जैसे आप गेहूं का आटा उसी तरह से आपको इसका भी आटा लगाना है इस तरह से, देखिए। और ये धीरे धीरे देखेंगे कि ये सेट होने लगेगी और बहुत ही अच्छा डो रेडी हो जाएगी। आप यदि आप इससे रोटी भी बेलें तो वो भी बेला जाएगी, इतनी अच्छी इसकी डो रेडी होती है। अब मैं हाथ में हल्का सा तेल लेकर के थोड़ा सा ऊपर से तेल मैंने ले लिया ताकि प्लेट में यदि कुछ भी लगा हुआ है आटा तो वो इसमें चिपके नहीं, वो आराम से इसमें आ जाए। अब मैं इसे छोटे छोटे बॉल्स में इसे मैं इसे बांट दे रही हूँ। मैं इसे 2 बॉल में बांटी हूँ। अब हमें इसे बेलना है। तो बेलने के लिए मैंने यहाँ पे एक चकला लिया हुआ है और उसमें हल्का सा मैंने यहाँ तेल लगा लिया और उसे मैं रख करके अब मैं इसे बेल रही हूँ। इसे अच्छे से आपको बेल लेना है इस तरह से, देखिए। इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, आपको इतना ध्यान रखना है। और इस तरह से मोटी मोटी पीसेस में हमें इसे स्ट्रिप्स में काटना है। और उसके बाद फिर देखिए, ये रेक्टेंगल शेप में हमें इसे कट करना है। देखिए, ये इस तरह से लंबी लंबी शेप में इसे कट कर लीजिए। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे उठा लिया एक पीस को और मैंने यहाँ फोक का यूज़ किया है इसे शेप देने के लिए। फोक पर पहले आप इसे रख लीजिए और उसे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप इसे इस तरह से अपने अंगूठे की सहायता से इसे आप इस तरह से रोल कीजिए। देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन इसमें बन के आ गई है। और इसी तरह से मैं फिर दूसरा रेडी कर रही हूँ। इस तरह से इसे प्रेस करते हुए इसे अपने अंगूठे के हेल्प से इसे बस गोल घुमा लेना है। और फिर ये देखिए, इस तरह से आप सभी को बना लीजिए। और ये आप बच्चों को भी देंगे तो ये बच्चा भी बहुत ही शौक से बनाएंगे। आप जिसे भी देंगे, ये बहुत ही मज़ा आती है बनाने में। तो आप इसे इस तरह से बनाते जाइए और अपने प्लेट में रखते जाइए।
और ये देखिए मैंने सब रेडी कर लिया है। तो अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया हुआ है, यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल लिया है और इसे गरम होने के बाद मैं इसे चलनी में रख के मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं इसीलिए इस तरह से की ताकि वो चिपके नहीं और परे भी नहीं, क्योंकि वो तेल पड़ने का इसमें डर रहता है ना, इसीलिए मैंने इसमें डाल के इसे लिया है। और उसके बाद इसे अच्छे से हमें चलाना है, इसे कच्चे में पलटी नहीं करना है। और जब ये हो जाए तब ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो जब ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाती है तब आप इसे निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं इसे निकालने वाली हूँ। ये देखिए मैंने अब इसे प्लेट में डाल लिया और इसी तरह से मैंने सभी को निकाल लिया। और अब मैं फिर दूसरा डाल रही हूँ और उसे भी उसी तरह से बना के निकाल लेना है। और ये देखिए हमारी ये सूजी से बनी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता रेडी है। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, आप इसे शाम के नाश्ते के साथ, नाश्ते में चाय के साथ ले सकते हैं। बच्चे तो इसे बहुत ही चाव के साथ खाते हैं और बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आप भी इसे जो ट्राई कीजिए, मुझे विश्वास है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और प्लीज़ अपना कमेंट हमारे साथ जो शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मैं एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आती हूँ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।